वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक वाला। तो जैसे कि मालूम है आपको ये लिखा हुआ देख के समझ आ ही गया कि आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत लोगों को पाइथागोरस थ्योरम में ये प्रॉब्लम रहता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, नाम सुन के डर जाते हैं। बट आज हम लोग एक इतने अच्छे ट्रिक में, एकदम इजी ट्रिक में, इजी वे में सीखेंगे कि यह पाइथागोरस थ्योरम कभी भूलेंगे ही नहीं। तो लेके चलते हैं आपको फिर से पाइथागोरस थ्योरम के टॉपिक से। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, यह जो होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होता है। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। सिर्फ जो हमारा ट्रायंगल होता है ना, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो बाय एंगल जो डिवाइड है वो भी थ्री टाइप्स में डिवाइड है। तो जैसे कि मालूम है तीन टाइप्स में, जो पहला ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। और दूसरा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो तीसरा है वो है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगता है, ये दोनों ट्रायंगल पे नहीं लगते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों लगते हैं, रीजन क्या है, इसमें ही क्यों लगते हैं? क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो एक एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। इसके एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अभी आपको दिखाता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचानेंगे हम लोग। जो जैसे ट्रायंगल हम लोग को मालूम है, ट्रायंगल थ्री साइड से बने होते हैं। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तीन साइड होते हैं। तो एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी और सी। ये ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है, इसमें तीन एंगल्स हैं, आप देख सकते हैं इधर तीन एंगल्स हैं। और जो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। अब आप बोलोगे क्यों, यही क्यों, ये और ये क्यों नहीं? तो राइट 90 डिग्री जो होता है, कोई भी एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, जब उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर करता है ना, तो जब ये जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये 90 डिग्री का होता है। किसी भी हॉरिजेंटल लाइन पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर करे तो वहां पे जो एंगल बनता है उसके बीच में, दोनों लाइन के बीच में, वो 90 डिग्री होता है। तो अभी हम लोग देख लिए कि ये लाइन हॉरिजेंटल है और ये लाइन, इस पे ए बी लाइन परपेंडिकुलर है बी सी लाइन पे, और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है हाइट और ये बेस। तो ये जो हमारा ए बी है, ए बी क्या है, हाइट है। तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए बी क्या है, हमारा हाइट है, तो ये हो गया हाइट का स्क्वायर। और बी सी जो हमारा क्या है, बेस है, तो बेस का स्क्वायर। और जो हमारा ए सी है, जो सबसे बड़ा लाइन होता है, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके जस्ट सामने रहता है ये लाइन, तो 90 डिग्री के जो सामने रहेगा ना साइड, इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस ट्रायंगल। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं एसी को, हाइपोटेनस। जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाले लाइन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। और ये जो रेखा होती है सबसे बड़ी रहती है लाइन साइड, ये बेस और हाइट के मुकाबले ये बड़ी होती है। तो इसका नाम क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारा जो ए बी है, बेस का स्क्वायर प्लस बी सी जो है, बेस का स्क्वायर प्लस ए बी जो है हाइट का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा, ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इस पे ही ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगेगा। और किस तरह लगेगा, एसी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, या हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एज एग्जांपल एक हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अभी इसको इरेज करते हैं। लाइक हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है बी सी डी नाम का एक ट्रायंगल है, और हम लोग को बी सी का वैल्यू दिया है 5 और इसका दिया है 6, और हम लोग को बोला हाइपोटेनस निकालो। तो हम लोग ने अभी देखा है कि फॉर्मूला इसका होता है हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो जो हमारा बेस ये हाइट जो है, बीसी क्या है, हाइट है हमारा, और हाइट क्या दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बेस क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इस दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 6 और 5 11 का 1 1 हाथ में, और 3 टू 5 और 1 6 इक्वल टू, ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं h का स्क्वायर। अभी h स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, h का वैल्यू जो 61 है ये क्या रहेगा, रूट में। 61 का कोई रूट है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको रूट में ही छोड़ देंगे यहीं पे। ऐसा पॉइंट में वैल्यू ला सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
थैंक यू।